कम दाम उत्तम काम, आधुनिक तकनीक और आधुनिक उपकरणों के साथ लाइट फिटिंग, नल फिटिंग के बेहतर काम के लिए और सभी प्रकार के विद्युत संबंधी कार्यों के लिए संपर्क करें चौबे इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग जरुआखेड़ा। मोबाइल नंबर 88 21 84 39 22। सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम छपरा में जहां लगभग 5 वर्ष पहले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छपरा का नवीन भवन स्वीकृत हुआ था, आज से लगभग 4 साल पहले इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और अत्यंत घटिया निर्माण के साथ आज से 2 साल पहले तैयार हो गया। निर्माण कार्य इतना घटिया था कि छपरा गांव के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया, साथ ही गांव के सरपंच सचिव ने भी आपत्ति की। तब गाँव वालों के संज्ञान को राजनीतिक विरोध का नाम देकर जैसे तैसे ठेकेदार ने दबाव बनाया। इसके बाद कोरोना लॉकडाउन के समय का फायदा उठाकर अधिकारियों और नेताओं को कमीशन के रूप में मोटी रकम देकर ठेकेदार ने इसका हैंडओवर करवा दिया और जन आक्रोश को दबाने डालने की कोशिश की। इसके बाद अभी हाल ही में इस भवन का लोकार्पण भी किया गया, जिसको लोकार्पण के समय क्षतिग्रस्त भवन में काफ़ी मरम्मत भी की गई। सारी फटी हुई दीवारों की दरारों को सीमेंट एवं बाल पुट्टी से भरा गया, उसके ऊपर दोबारा रंग रोगन किया गया। हालांकि यह मरम्मत अभी भवन में साफ दिखाई देती है। बरसात में सभी कमरों में पानी रिसता है, जो घटिया निर्माण का स्पष्ट प्रमाण है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छपरा के प्रभारी प्राचार्य एवं स्टाफ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि भवन निर्माण बहुत ही घटिया है, साथ ही कुछ पंखे एवं बिजली उपकरणों की चोरी भी हुई है। इस शाला भवन के कमजोर और जर्जर होने से इसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और उनके पलकों में यह डर समाया हुआ है कि अगर शाला भवन कक्षाओं के लगने के समय गिर गया तो कई बच्चों की जान भी जा सकती है और जान माल का नुकसान भी हो सकता है। गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग, साथ ही शिक्षकगण और छात्र छात्राएं चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से वह संवेदनशील मुद्दा सरकार और बड़े अधिकारियों के संज्ञान में आए और वह इस पर उचित कार्रवाई करे, साथ ही ठेकेदार के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए।
नीले स्कूल में सर। किस विद्यालय में पढ़ते हो? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम छपरा सर। ये अभी आप लोगों का जो नया स्कूल आपको मिला है ये उच्चतर माध्यमिक भवन, तो इसका आपने देखा है आपके जिस सारे कमरों में दरारें वगैरह पड़ रही हैं? जी कुछ कुछ कमरों में है और कुछ में नहीं है सर। अच्छा अच्छा, तो आपने ये सब अपने पापा लोगों को बताया? जी बताया सर। क्या कहना है सब लोगों, गाँव के लोगों का? सब कह रहे हैं छाप वगैरह हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा सर। अब वो तो बन गया, आप कुछ कहेंगे वो बल्द तो जाए नहीं होगा। लेकिन आप लोग ये तो मानते हैं कि दरारें हैं पूरे कमरों में, मानते हैं ना जी? ये अपने घर में मम्मी पापा को सब लोगों को बताया क्या इस बारे में आप लोगों ने? जी बताया है सर। अच्छा, क्या कहना है आपके पापा लोगों का? सभी बच्चों ने बताया होगा आपने अपने घरों में जी। क्या कहना है? कुछ नहीं, नहीं बोल रहे अब सर, बहुत निर्मित होगा, अब दूसरा तो बनेगा नहीं। ठीक ठीक, तो सर आपका नाम? मुन्ना लाल चड़ार, करवाल चड़ाचार्य। आप तो देख ही रहे हैं सर, हुआ है तो आपके सामने जी। तो ये जो क्रैक वगैरह है मुझे मालूम ही नहीं कब हैंड ओवर हो गया, कब क्या हो गया। उन अधिकारियों ने तो बताया कि मैंने बिल्डिंग हैंड ओवर कर दी है, अब तुम जिम्मेदार हो। ठीक, तो सर जैसे आज यहाँ जो भी बच्चे पढ़ने आते तो उनकी पूरी जो सुरक्षा है उसका जिम्मा सब शिक्षक वर्ग के ऊपर रहता है, खासतौर से प्राचार्य के ऊपर। तो कल के दिन कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? हम ही होंगे जिम्मेदार सर। लेकिन सर बिल्डिंग आपने तो नहीं बनाई? नहीं बनाई सर, नहीं बनाई, लेकिन अब यदि घटना को घट गया तो अब तो प्रेजेंट हम जिम्मेदार रहेंगे। तो फिर इस बारे में आप जो शिक्षा विभाग के अधिकारी या जनप्रतिनिधि भी हैं, जो भी हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, मंत्री हैं, उन लोगों से आपने इस बारे में उनको अवगत कराया क्या? फोन नहीं से बताई थी हमने अपने अधिकारियों को, देख लो तो अधिकारियों का। जी आपका नाम? विवेक गुप्ता नाम है मेरा, मैं शासकीय ठेकेदार हूँ। गुप्ता जी, आपने जो शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय भवन छपरा बनाया है, अभी हाल ही में उसका लोकार्पण भी हुआ है, तो वहाँ काफ़ी पत्रकार बंधुओं ने जाके वहाँ जो कवरेज किया तो आपके उस भवन में बहुत ज़्यादा क्रैक दिख रहे हैं कई जगह पे, मतलब जर्जर हालत है, इस विषय में क्या कहना है आपका? भाई साहब, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि AI बिल्डिंग जो है आज से 3 साल पहले कंप्लीट हो चुकी थी और लगभग दो साल पहले उसका अपन हैंडओवर कर चुके थे, जिसमें बहुत सारी चोरी चकारी भी हुई है, लेकिन उसमें अपन ने शिकायत भी है अपने पास, उसकी FIR करवाई आपने? जी, चूंकि हैंडओवर हो चुकी थी बिल्डिंग तो स्कूल जो प्रबंधक है उसके द्वारा उसकी FIR हुई है। अच्छा, हैंडओवर कितने कब हुई थी उसकी? भाई साहब लगभग 2 साल हो गए हैंडओवर। लगभग 2 साल, तो कोविड टाइम में हुआ है क्या? जी कोविड टाइम। अच्छा, फिर अभी ये लोकार्पण क्यों? भाई साहब कोरोना की वजह से लोकार्पण नहीं हो पाया था, इसलिए अभी समय दिया गया। अच्छा, अब वहाँ जो हम लोगों ने प्राचार्य और जो वहाँ के अन्य जो शिक्षक हैं स्टाफ के लोगों से भी बात की, कुछ छात्र छात्राओं से भी बात की, तो जो एक लोगों के अंदर जो एक डर और दहशत का माहौल हो गया कि बिल्डिंग गिर ना जाए, ये क्रैक हैं, बरसात में पानी भी इसमें बहुत ज़्यादा आएगा तो कैसे कक्षाओं का संचालन होगा, इस विषय में क्या कहेंगे आप? वैसे उस बिल्डिंग में हम लोग का जो SD है वो रोक के रखी जाती है, यदि उसमें कोई भी क्रैक या कोई भी मेंटेनेंस कार्य निकलता है तो उसको हम लोग को 5 साल तक करके देना होता है, तो वो हम करके देने के लिए तैयार है। रही बात बिल्डिंग गिरने की, तो वो बिल्डिंग इतनी मजबूती से बनाई गई है, उसमें जो लोहा है वो बहुत हैवी है और वो ऊपर जो आप छत पे देखेंगे कि थोड़ा बहुत कमियां तो हैं, मेरे द्वारा भी थोड़ी बहुत कमियां रही हैं, लेकिन जो पिलर होते हैं पिलर के लिए अपन जो वो G+2 की बिल्डिंग है, G+2 मतलब जी हम ग्राउंड फ्लोर बना चुके हैं, 2 मंजिला बिल्डिंग और बन सकती है वो, तो उसकी जो राडें होती हैं उसके लिए हमें कवर्ड करना होता है, तो उसके लिए हम राडों के लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे नॉर्मल मतलब उसके लिए बहुत मजबूती से कवर्ड नहीं करते हैं ताकि राडो